जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे सेल्फ मेडिकेशन पे, और अब हम डॉक्टर साहब से एज अ डॉक्टर पूछेंगे। वो पहले एज अ लेमन हमें बता रहे थे कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, लेकिन अब हम दोनों डॉक्टर साहब से एज अ डॉक्टर पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन, सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करें, सेल्फ मेडिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? देखें, सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी मौलिज के पास ना जाएं और दवाइयां खुद खाने लगें। सर देखिए ना, अगर इसके लिए ज़रूरी हाँ। नहीं है कि वो मेडिसिन खाली हो गए एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक मेडिकेशन है या हिकमत की मेडिकेशन है, कोई भी मेडिकेशन अगर कोई आदमी उसके माहिर से पूछे बगैर खा रहा है तो वो सेल्फ मेडिकेशन है, या उन लोगों के मशवरे पे खा रहा है जो लोग डॉक्टर्स नहीं है या प्रोफेशनल्स नहीं है। बात काटूं यहाँ पे जी, हल्का सा सर में दर्द है, अब मैं क्या वो सर का दर्द डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, खुद ही खा लूंगी सर के दर्द की दवाई। देखें, दो तरह की मेडिकेशंस हैं। सेल्फ मेडिकेशन का डेफिनेशन मैंने बताई है, मैंने ये नहीं कहा कि हर सेल्फ मेडिकेशन गलत है। डेफिनेशन ये है, अगर किसी के सर में हल्का सा दर्द है और उसको इस बात का पता है कि ये गोली खाने से मुझे आराम आ जाता है, तो वो गोली उसको पहली बार किसी ने बताई होगी ना। हाँ। है ना, शुरू में पहली बार किसी डॉक्टर ने नहीं बताई होगी, उनको नहीं तो उनकी अम्मी को बताई होगी, उनके दोस्त को बताई होगी, किसी को तो बताई। स्टार्ट तो डॉक्टर से ही हुई होगी ना कि ये दवा खाने से सर का दर्द ठीक होता है, तो वो मेडिकेशन खाना, उस डॉक्टर ने ये भी कहा होगा कि ये मेडिसिन खाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई सर की दर्द की गोली, दो दो गोलियां 6 महीने तक रोजाना खाए तो उसको लिवर डैमेज हो सकता है। तो बात यह है कि लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस यूज इवन पैरासिटामोल कैन लीड टू लिवर प्रॉब्लम्स, ये तो हमको पता है ना। इसी तरह एक अभी एक स्टडी रिसेंटली हुई थी डॉक्टर साहब की, जिसके अंदर ये था कि अगर कोई नींद की जो गोलियां खाते हैं, अभी अमेरिकन रिसर्च है कि उनमें सुसाइडल रेट ज़्यादा है। अच्छा, जो परसिस्टेंटली नींद की गोलियां खाते रहते हैं, इसलिए कि जो अंडरलाइन कॉज ऑफ डिस्टर्ब स्लीप है वो डिप्रेशन है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया वो बढ़ता चला आएगा, प्रॉबली उसकी कॉम्प्लिकेशन में सुसाइडल रिस्क होता है। तो हर चीज़ को थोड़े दिन इस्तेमाल करना ठीक है। देखें, हर जगह लिखा भी आता है कि आप, अगर ऐड भी आता है ना कि आप दवा खाएं, अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर को दिखाएं। तो सेल्फ मेडिकेशन की एक डेफिनेशन है, लेकिन कहाँ तक सेल्फ मेडिकेशन अलाउड है और कहाँ नहीं है ये हमको पता होना चाहिए। बाज मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन में अलाउड ही नहीं है। हाँ, हमारे लॉ में भी अलाउड नहीं है, यानी बेंजोडाइजेपिन, नींद की दवाइयाँ, या बाज स्ट्रॉन्ग जैसे सोसिगोन के इंजेक्शन हैं, या इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अलाउड ही नहीं है, लॉ है, मगर वो लॉ फॉलो नहीं होता। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि अगर आप किसी मेडिकल खोलें, आप क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर, उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड चाहिए होता है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सर्टिफिकेट बिकते हैं बाजारों में, वो सर्टिफिकेट लेके लगा लेते हैं। चाहूंगा इसमें कुछ बात को, सेल्फ मेडिकेशन को मैं ऐड करूंगा। एक कॉल है हमारे साथ, फिर हम डॉक्टर साहब की बात बीच में रख देते हैं, करेंगे इनसे। सॉरी डॉक्टर साहब, एक कॉल वेट कर रही थी इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। सॉरी माजरा चाहता हूं, मैं दोबारा आपके कोई बसारी, इतने दिनों से आपने कॉल नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। छोटा सा, थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन से जरा सा हटके, लेकिन सेल्फ मेडिसिन वाली बात है। आजकल जो डॉक्टर्स हैं और जिस तरीके से इलाज करते हैं और जैसी तवज्जो वो देते हैं मरीज पे, तो उसके लिए आजकल इलाज से पहले मरीज को खुद थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है, वरना डॉक्टर के हाथ में आने के बाद भी ऐसा ही होता है कि जैसे वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, डॉक्टर ने देखी दवा प्रिस्क्राइब कर दी और रवाना कर दिया, 6 महीने बाद आ जाना। अब उस पर वो दवाइयाँ क्या असर कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कुछ चीजें नहीं है। अब जब तक खुद मालूमात नहीं हो, डॉक्टर सर्जन के पास गए उसने ऑपरेट कर देना है, फिजिशियन के पास गए उसने 20 अलामतें सुनी, 20 दवाइयां लिख दी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सेल्फ मेडिकेशन पे तो आपने कह दिया, आपने एक आम आदमी को तो बदनाम कर दिया, डॉक्टर जो कर रहे हैं उसको भी तो बताइए ना। आपने सबको जनरलाइज क्यों कर लिया? आप ये भी तो देखिए, आप किन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं? 90%, अरे नहीं होता ऐसे। 90% मेरा बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं दोनों इतने अच्छे डॉक्टर बैठे कि मैं चाहूंगा वो इस कमजोरी को भी जरूर मेंशन करें, सेल्फ मेडिकेशन पे इसलिए मजबूर है। और दूसरी, भारी भारी फीसें डॉक्टरों की, क्या करें, सेल्फ मेडिसिन ना करें यहाँ का आदमी तो,
और जो साइकाइट्रिस्ट साहब बैठे वो एक आम आदमी की चीजों को बहुत ज्यादा समझते हैं, और जो दूसरे डॉक्टर साहब बैठे वो इतने हमदर्द हैं कि वो मरीज का ख्याल करते हैं, तो वो इस टॉपिक पे भी जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। सेल्फ मेडिकेशन को सिर्फ बदनाम करने से हासिल नहीं होगा, मजबूर है आदमी सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए। अच्छा चले, आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम क्लियर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए, हेल्थ टीवी का मकसद क्या है? हेल्थ टीवी का मकसद यही है कि जो ये कॉमन बीमारियां हमारे माशरे में हैं, इनके बारे में आपको जनरल नो हाउ देना कि क्या है, क्यों होती है, क्या रीजंस है, कैसे प्रिवेंट हो सकती, किसी को हो गई तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे बीमारी हो या ना हो। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर्स के ऊपर डालना कि बीमारी हो गई तो पहले खुद इतना पढ़ के जाएँ, आप अगर अच्छी चीज़ें, अच्छा लिटरेचर, अगर आप अपने बारे में कॉन्शियस है तो ये सब चीज़ें आप वैसे ही पढ़ते हैं और पता होनी चाहिए हर इंसान को। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या किया है, आपने सारे डॉक्टर्स को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, डॉक्टर साहब की बड़े मजे के एक्सप्रेशन आ चुके हैं जी, बाकी बातें डॉक्टर साहब से सुनते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा सेल्फ मेडिकेशन, उसके बाद यूसुफ साहब के मैं कुछ क्वेश्चन है उसके मैं आंसर जरूर दूंगा। इत्तेफाक से यूसुफ साहब मेरे पेशेंट भी रहे और मुलाकात होती रही है। बहरहाल ये है कि सेल्फ मेडिकेशन को, अगर मेरी एक आदत है, उसे कैटेगराइज किया होता है सेल्फ मेडिकेशन, जो कि लफ्जी मायने उसके ये दवा खाना खुद से, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड ये कि आप खुद से दवा गए खरीद लिया, दूसरा किसी की एडवाइस से अदर देन हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन से। ये दो कैटेगरी में हो जाती है। लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे लोगों को मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ये दवा खा लें, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, या मैंने, या किसी ने भी खाया था, इस चीज़ में बड़ा तफाका हुआ है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जितनी नॉलेज एक लेमैन को दूसरे को भी उतनी है, वो सिर्फ एक अपनी इंफरादियत या अफादियत को जताने के लिए लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप इस तरह की मेडिसन्स ले लें। इससे पहले जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहे हैं, जो कि मतलब सबसे ख़राब रोल जो प्ले अदा कर रहे हैं, वो मेडिकल स्टोर्स वाले। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की कोई भी मेडिसन, आप वहाँ पर गए, मेडिकल स्टोर वाले ने देखा, जो कि खुद मैट्रिक भी नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, मैट्रिक भी वो नहीं है, वो देखते कहते ओहो ये क्या दवा दी, तो बहुत हार्ड दवा है, ये तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन को अंडरडोज या ओवरडोज लेते हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक मेडिसिन स्टार्ट कराई, कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान के जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का जो जरासीम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर भी एक जान होती है जो कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। इसकी मिसाल मैं बहुत सादे और लेमैन के उसमें दूंगा कि एक गली में कुछ गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस आई, पुलिस ने आके उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस के कुछ कम सिपाही होंगे तो वो कोशिश उनकी ख़त्म इस तरह से हो जाएगी कि वो लोग बढ़ जाएंगे और वो उन्हें मार गिराएंगे। अगर पहला ही अटैक पुलिस पूरी तरह से करेगी फोर्स के साथ, तो वो क्रिमिनल्स को फौरी तौर पे ख़त्म कर देगी। तो इसी तरह आपकी मेडिसिन जब बॉडी के अंदर जाती है तो अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। उस दवा का रिजल्ट आपका मैक्सिमम जब तक पहुंचता भी नहीं है, उससे पहले आप मेडिसिन को स्विच ऑफ कर देते हैं। नौजिया हो रहा है, टेस्ट खराब हो रहा है, टेस्ट अगर खराब भी नहीं हो रहा, नौजिया भी नहीं हो रहा, सिम्टम्स आपके खत्म हो गए, मतलब जो अलामत हैं अगर आपकी ख़त्म हो गई, तो आप दवा को रोक देते हैं। और वो होता क्या है, मेडिकल स्टोर वाला कहता है आपको 3 दिन हो गए दवा खाते हुए, या मोहल्ले वाले कोई आए 5 दिन हो गए, ये दवा तो बहुत नुकसानदेह है, इस दवा को आप छोड़ दें। तो वो जो दवा छोड़ देने का लफ्ज़ होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि उस दवा के ख़िलाफ़ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, आइंदा आप जब उस दवा को लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको हैवी डोजेस लेनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप, इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, कॉल भी हमारे साथ, पहले वो अटेंड करते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदा साहब। अल्लाह का फजल, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आज मेरा आपसे सवाल है कि आज आप फर्स्ट टाइम लाइव आई हैं, काफी टाइम के बाद। फर्स्ट टाइम तो नहीं आई लाइव, कुछ अरसे के बाद लाइव आई। कुछ अरसे के बाद, मैंने यही कहा था कुछ टाइम के बाद, कुछ अयाम के बाद आप लाइव आई हैं। खैरियत थी? हाँ जी सब खैरियत थी, सब ठीक था। छुट्टियाँ कभी कभी लेनी चाहिए ना। अच्छा, ये आज का मौजूद बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उस माशरे में जहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है।
एक तो एक दो सवाल पूछने से पहले एक चीज को मैं आपकी सेकंड करना चाह रहा हूँ कि हेल्थ टीवी का या जो ऑब्जेक्टिव इंसान का यही होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हेल्थ के हवाले से या मेडिकल या हॉस्पिटल के हवाले से इंसान का जो लिंक होता है वो डायरेक्ट लाइफ के साथ होता है या मौत के साथ होता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर कुछ मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सही, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सही। और सेम इज द केस, क्या मुझे ला का इतना नहीं पता तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बेसिक चीजें ला की भी इंफॉर्मेशन मिले कि रास्ते में अगर पुलिस वाला मेरी कार को रोकता है तो मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन हो, कुछ तो बताओ। एग्जैक्टली, सही, वेरी ट्रू, क्या बात। पिता साहब आपको यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इन्हें हर चीज के बारे में मालूम करना, इतने इंट्रिग्ड है ये कैसे इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, व्हिच इज वेरी नाइस एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने कॉल काटनी नहीं है। एक तो जो अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि जी वो फौजी आए या पुलिस वाले आए, उन्होंने स्ट्रीट में वो जो मुजरम थे उनको मार दिया, तो मारने का एक तरीका ये है कि उनको मार दिया तो साथ कुछ मोहल्ले के जो चौकीदार थे वो भी मर गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बातें कैसी होती हैं जो हमारे गट के अंदर जो फ्लोरा है उसको भी वॉश आउट हो जाता है। वो सही 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 ठीक है। जब वो वॉश आउट हो जाता है तो हमारा इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो जाता है, विच मेक आवर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इन द पेशेंट। तो क्यों ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आजकल 99% डॉक्टर जो हैं वो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं क्वैक्स नहीं है, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो स्पेसिफिक हो उसी एरिया की इंफेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। आई थिंक ऐसा होना अच्छा है। अच्छा, दूसरा सवाल फिदा साहब, जरा सा मैं आपको एक दूसरा सवाल ले लें, फिर इनका एक सवाल और जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज से 8-9 साल पहले मेडिकल स्टोरों पे लिखा हुआ था कि पीपीए फ्री, एक ड्रग थी उसका ब्रांड नाम मैं नहीं लूंगा, वो पीपीए फ्री ना हो। तो फिर मैंने वो बड़ी स्टडी की तो पीपीए स्टैंड फॉर फिनाइल प्रोपेनोल एमाइन विच इज अ हाईली पोटेंट सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो मेरी जो स्टडी हुई तो आपने डॉक्टर राफिया भी बोला था कि मुझे अगर हेडेक है तो उसमें हर्ज किया है कि वो मैं एक मेडिसिन लूं, तो ये हर्ज है इसमें क्योंकि अगर आपको जुकाम है और जुकाम की मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से लेती हैं तो ऑल द ड्रग जो जुकाम की होती हैं, खांसी की होती है, उनमें सूडो एफेड्रीन और हाय अल्लाह फिदा साहब गुम हो गए। ओके, चले, एनीवे एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इस चीज से बात करते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।